आज हम सब पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। आज खरीद बिक्री के बारे में जानना है और खरीद बिक्री में लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। और ये खासकर ज़्यादातर हम वीडियो बनाए बच्चे के लिए कि बच्चे से कुछ समझ में आए कि कितना खरीदे तो कैसे फ़ायदा होगा, कैसे घाटा होगा। ये खरीद बिक्री की बात है और ज़्यादातर ये बच्चों के लिए, तो बच्चा सब देखना ज़्यादा अच्छे सभी देखें और आप तो बने रहे लास्ट वीडियो तक। हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या सर बोले? प्रॉफिट एंड लॉस। ए लड़का आगे घुमो। हाँ सबसे पहले नो वो कोई कॉपी नहीं कीजिएगा, पहले सीख लीजिए तब कॉपी करना। हम कोई सामान खरीदे, कोई भी वस्तु खरीदे, क्या खरीदते हैं? वस्तु। तो कोई भी वस्तु खरीदते सर, उसका कोई ना कोई तो कॉस्ट प्राइस होगा। कोई ना कोई क्या होता है सर? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? और खरीदने के बाद उसको हम कोशिश करते बेच दे। क्या करते हैं? तो बेचते, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या होता है? क्या होता है? आ खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? आ बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस। क्या होता है? वेरी गुड। और आप लोग आज कुछ जानेंगे कि कोई सामान हम खरीदते हैं या कोई भी चीज बेचते हैं तो कैसे फायदा होता है। मान लीजिए कि हमने ये मार्कर, दिख रहे हैं सर जी। ये मार्कर है, इसको हमने खरीदा 5 रुपया। कितना में खरीदे? 5 रुपया। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, माना कि हमने इसको खरीदे कितने रुपया में? 5 रुपया में। और हम एक दुकानदार हैं, क्या है? दुकानदार। हमें क्या है? दुकानदार है। तो दुकानदार होने का फर्ज यह है कि जब हम बेचने आएंगे तो इसमें कुछ न कुछ हमें फायदा होनी चाहिए। जब तक इसमें अगर हमें फायदा नहीं होगा तो क्या सामान बेचने से हमें कोई दुकान चलने में कोई है कुछ मिल सकता हमको? नहीं, क्योंकि हम दुकान चलाते फायदे के लिए। किसके लिए? मान के चलिए कि 5 रुपया में हमने क्या खरीदा, ये मार्कर खरीदे और इसको हमने बेच दिया 6 रुपया में। कितने रुपया में बेच दिया? 6 रुपया। कितने रुपया में बेच दिए? 6। जब 6 रुपया में बेच देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी खरीद वाला मूल्य, हम खरीदे थे कितना में? 5। बेचे कितना में? 6। कम से कम कितना रुपया फायदा हुआ? 1 रुपया के फायदा हुए कि नहीं हुए? वेरी गुड। अगर हम 5 रुपया में इसको खरीदते हैं, कभी कभी होता हम 7 रुपया में बेच ले, कभी कितने रुपया में बेच ले? 7। जैसे 7 रुपया में बेचते हैं तो बताइए 5 रुपया हमारी कॉस्ट प्राइस, अब बिक्री वाला मूल्य हो जाएगा 7 रुपया। क्या रुपया हो जाएगा? 7। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट का रुपया हुआ? 2। कितने रुपये का फायदा हुआ? 2। बताइए फायदा कितने रुपया? 2 रुपया फायदा होगा। और इसी प्रकार से अगर हम बहुत सारे ढेर सारे सामान बेचेंगे, तो कोई भी सामान अगर अपने दुकान पर बेचते हैं तो जो भी चीज हम खरीदते हैं उसे 1, 2, 5, 10 रुपया एक्स्ट्रा करके बेचते हैं, बेचते हैं ना, जिससे हमें क्या होता है? फायदा होता है। क्या होता है? जिससे हमें क्या होता है? फायदा होता है। कोई दिक्कत? आप देखिए दूसरी बात होती कि हमने तो 5 रुपया में खरीदा, कितने रुपया में खरीदा? 5। और किसी मजबूरी बस हमको बेचना पड़ रहा है, क्या कर रहा है? और बेचना पड़ रहा है, हम मजबूरी में क्या करेंगे कि दाम लगाएंगे इसका 4 रुपया। कितना रुपया लगाएंगे? 4। अब बताइए सर, खरीदे 5 रुपया में, बेच रहे कितने रुपया में? 4। अरे हमारा तो दामो नहीं निकला। जब हमारी खरीदारी से बेचने का दाम अगर कम हो, जब हमारी खरीदारी से बेचने का दाम क्या हो? कम हो, तो समझ लीजिएगा लॉस हुआ है। क्या हुआ है? हुआ। क्या हुआ है? हुआ। यानी कि हमको घाटा हो गया। क्या हो गया? घाटा। और
और 5 रुपया के सामान खरीद के अगर हम 6 रुपया में बेच देते हैं तब वहाँ पर हमको प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चलिए वेरी गुड, उसी के साथ हम चलते हैं। कॉस्ट प्राइस देखिए सर हम लिख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं किराए मूल्य। क्या बोलेंगे? यानी यह इतना में खरीदे वाला दाम है, कितना है? और यहाँ पर आगे सर सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस यानी कि इतना रुपया में हमने बेचा, ये हमारी खरीद का मूल्य है और ये हमारी बिक्री का मूल्य। कितना का मूल्य है? बिक्री का। ये हमारी खरीद का मूल्य है और ये हमारी बिक्री का मूल्य। कोई दिक्कत? और जब हम खरीद बिक्री करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगी और नहीं तो लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। हर एक काम में बता रहे कि आपको सेम दाम में बेचेगा तो आपका दुकान तो नहीं चलेगा, दुकान पहले ही बैठ जाएगा। या तो हमें बेचना पड़ता है तो या तो प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है। बिजनेस वाला की यही कहानी है, या तो फायदा नहीं तो घाटा, फायदा नहीं तो घाटा, इसी में लगे रहते हैं। माना कि हम, चलिए आपको एक एक सवाल बता रहे हैं, आप बोर्ड पर प्लीज देखिएगा। 5 रुपया में, कितने रुपया में सर? 5 रुपया में हमने एक कलम खरीदी। क्या खरीदी सर? कलम। कितने रुपया में कलम खरीदी? कस के बोले कितने रुपया में कलम खरीदे? 5। और उसको बेच दिया हमने 7 रुपया में। कितने रुपया में बेच दिए? 5 रुपया में खरीदे और बेचे कितना में? 7। और जैसे 7 रुपया में जब बेचे तब बताइए हमारी खरीदारी मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस कै गो रुपया बेसी हो गया है? 2। कितना रुपया बेसी है? 2। जब हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? क्या होगा? अगर हमारी कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस की अगर जो प्राइस है यानी कीमत है अगर कम होगा तो हमारा लॉस होगा। क्या होगा? लेकिन हम तो यहाँ पर अभी 5 रुपया में खरीदे 7 रुपया में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की कीमत तो ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसीलिए हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बताइए तो? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट का मतलब फायदा। क्या होता है सर? तो 5 रुपया में खरीदे और 7 रुपया में बेचे तो 2 रुपया का फायदा हुआ। 2 रुपया का? 2 रुपया का क्या हुआ? 2 रुपया का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और चीज हम खरीदने जा रहे हैं सर। मान लीजिए एक कोई बुक है, क्या है? बुक माने क्या होता है? पुस्तक। क्या होता है? पुस्तक। आप देखिए कोई हम बुक खरीदे हैं, कितना रुपया में खरीद रहे हैं? सुनते रहेगा, 100 रुपया। कितना रुपया मैंने पुस्तक खरीदी? 100। कितना रुपया में बुक खरीदे? 100 रुपया में। बुक कितना में खरीदे? 100। आप बुक खरीदे 100 रुपया में, और हमने क्या किया उस बुक को बेच दिए 125 रुपीज यानी 125 रुपया में। कितना रुपया में बेच दिए? 125 रुपया। कितना रुपया में बेचे? 125। बताइए 100 रुपया में खरीदे और 125 रुपया में बेचे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यानी कि जैसे ही अगर ज्यादा दाम में बेचेंगे, या आपको एक आरोप बता दिए, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा जैसे ही कीमत हमारी सेलिंग प्राइस की होगी तो हमें प्रॉफिट होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर कितना रुपया का हमें फायदा हुआ? 25 रुपया का। 100 रुपया के खरीदे थे, 125 में बेच दिए, यानी 100 का 100 तो हम दाम का दाम निकाल लिए, ऊपर का 25 रुपया हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यही हमारा 25 रुपया क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। क्या कहलाएगा सर? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक और चले हम खरीद रहे हैं सर, कुछ और खरीद रहे हैं, आप देखते रहेगा। क्या खरीदेगा सर? मान लो कोई बल्ब खरीदे, लाइट, लाइट खरीदे। क्या खरीदे सर? लाइट। उस लाइट का कीमत था 1000 रुपया। कितना रुपया कीमत था?
कितना रुपया कीमत था? कितना रुपया कीमत था? वेरी गुड। और उसको हमने बेच दिया किसी कारण बस, थोड़ा सा मजबूरी आ गई, गड़बड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, हमने उसको बेच दिया 900 रुपया में। कितना में बेच दिया? 900। खरीदे थे 1000 में, बेच दिए 900 में। कितना में बेच दिए? 900 में। अब बताइए कि 1000 में खरीदे, 900 में बेचे, तो हमारी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की जो कीमत है इसे 100 रुपया कम है, तो कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कै को रुपया घटा करके बेच रहे सर? 100। यहाँ पर हम लिखेंगे 100 रुपया लॉस। क्या लिखेंगे? तो इसी प्रकार के आप सवाल बनाएगा पक्का? वेरी गुड, जल्दी से बनाइए। आप मान लीजिए 175 रुपया में मैंने कुछ खरीदा और उसको 200 रुपया में बेच दिया, फिर कहते 150 रुपया में खरीदे, उसको हम बेच दिए 200 रुपया में, और यहाँ पर देखिए 300 रुपया में एक वस्तु खरीदे और उसको बेच दिए 250 रुपया में। आप सब जल्दी जल्दी बना के दिखाइएगा। ये हमारा सारा का सारा बुक खरीदे, क्या खरीदे सर? बुक। क्या खरीदे हैं? हाँ मान लीजिए बुक का प्राइस है हमारा, जल्दी से इसका सब बना के दिखाइए।